नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। देश के 17वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर सोमवार को देश भर से चुने गए सांसद शपथ ले रहे थे। प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार खट्टिक सांसदों को शपथ ग्रहण करवा रहे थे, लेकिन ऐसे में जब भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शपथ लेने पहुंची तो विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर दिया। आखिर अपनी शपथ में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वो कौन सी गलती कर दी, वह क्या शब्द इस्तेमाल किया जिसके चलते विपक्ष के सांसद हंगामे पर उतारू हो गए। आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से गलती कहां हुई। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी, लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपे यदहम संस्कृत में। पिताजी का नाम दीजिए आप अपने। आप अपने नाम के साथ जो है ना पिता का नाम उसमें जोड़िए। स्वामी पूर्ण चेतनानंद मैंने लिखा था उसमें। नहीं, या तो ईश्वर का नाम लेंगे या संविधान, या तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेंगे। मेरा नाम स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी, मैंने उसमें भी लिखा था। साध्वी जी, या तो ईश्वर के नाम पर या संविधान के नाम पर, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है। नहीं नहीं, ये मेरा नाम है। हाँ, अपना नाम पूरा बोलिए। मैंने उस फॉर्म में भी लिखा था। नाम पूरा बोलिए। मेरा नाम यही नाम जी, आप अपना नाम लीजिए। अरे नाम है मेरा साध्वी जी, आप यहाँ देखिए और नाम लीजिए। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह, स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी, दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब संस्कृत में शपथ ले रही थी तब उन्होंने अपना पूरा नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी पढ़ा। इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने उनके नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की। बाद में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार खट्टिक ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रिकॉर्ड चेक किया और इसके बाद फिर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शपथ ली। रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कृपया व्यवस्था बनाइए। रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। बैठे रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नहीं पर इसमें पिता का नाम नहीं है ना इसमें। हाँ, इसमें पिता का नाम नहीं है ना। इनका सर्टिफिकेट, वो जो प्रमाण पत्र है, एक मिनट, प्रमाण पत्र होगा ना इनका, प्रमाण पत्र भी देखिए क्या है। आपका वो कहाँ है, इलेक्शन वाला प्रमाण पत्र आपका, एक मिनट, वही चेक कर रहे हैं। शांत रखिए, के बाद व्यवस्था में सहयोग कीजिए। हाँ, प्रमाण पत्र। अरे ईश्वर की शपथ तो लेने दो। प्रमाण पत्र मांगे, ईश्वर की शपथ तो लेने दो। प्रमाण पत्र किधर है, उसी काफी होगी ना। देखिए प्लीज बैठिए, सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये यदहम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम अखंडताम च रक्षिष्यामि तथा यत्पहम यत्पदम ग्रहीतुमः मुद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम् निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय। अब यहाँ आपको ये बता देते हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शपथ पर हंगामा क्यों हुआ।
दरअसल सदन में जब भी कोई सदस्य शपथ ग्रहण करता है तो वह ईश्वर को या भारतीय संविधान को साक्षी मानकर अपने पद की शपथ लेता है। ज्यादा से ज्यादा वह अपने नाम के साथ अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब शपथ लेने पहुंची तो उन्होंने साध्वी होने के नाते अपने नाम के साथ अपने गुरु का नाम इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने अपने नाम के साथ अवधेशानंद गिरी शब्द भी जोड़ा, जिसे लेकर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर दिया और यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शपथ में विरोध का कारण भी बना। इस तरह की और खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।